दोस्तों, जब भी राजनेताओं की सुरक्षा की बात आती है तो जेड प्लस सिक्योरिटी की चर्चा जरूर होती है। जब से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जेड प्लस सिक्योरिटी समाप्त हुई है, तब से इस पर खूब राजनीति होने लगी है। जेड प्लस सिक्योरिटी की चर्चा खूब हुई है। आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर ये जेड प्लस सिक्योरिटी क्या है। आइए जानते हैं विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों के बारे में। जेड प्लस देश की सबसे उच्च श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा मानी जाती है। इसमें 36 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें एनएसजी के भी 10 कमांडो होते हैं। इसमें सुरक्षा का पहला घेरा एनएसजी का हो और दूसरा एसपीजी कमांडो का होता है। इनके साथ ही इसमें सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस श्रेणी की सुरक्षा में शामिल होते हैं। इसके अलावा होता है एक जेड श्रेणी। जेड श्रेणी में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के 22 जवान तैनात होते हैं। इनमें एनएसजी के 5 कमांडो को तैनात किया जाता है। ये ऐसे लोगों की सुरक्षा में एस्कॉर्ट वाहन और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। जेड श्रेणी के अलावा वाई श्रेणी भी एक सुरक्षा श्रेणी में आता है। वाई श्रेणी के अंतर्गत इस श्रेणी में 11 सुरक्षाकर्मी और 2 एनएसजी कमांडो तैनात होते हैं, जिनमें 2 पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। एक्स श्रेणी में सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं, इनमें से एक पीएसओ होता है। एसपीजी सुरक्षा। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यह सुरक्षा पीएम, पूर्व पीएम और उनके परिजनों को मिलता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन किया गया था। एसपीजी का सालाना बजट 300 करोड़ रुपए है। यह देश की सबसे पुख्ता और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। फिलहाल यह सुरक्षा देश के सिर्फ 8 लोगों को मिली हुई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुरशरण कौर, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिली हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।